चीन मुस्लिम देशों की गोद में बैठकर मुस्लिमों पर अत्याचार करता है। चीन में मुस्लिमों पर कहर बरपाया जाता है, लेकिन मुस्लिम देशों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। चीन ने सैकड़ों मस्जिदों को या तो बंद कर दिया या उनका पूरा ढांचा ही बदल दिया। जल्द आई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने निंगजिया और गांसू क्षेत्र में सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की नई रिपोर्ट में मस्जिदों की कम हो रही संख्या का खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के आने के बावजूद भी इस्लामिक देश और ओआईसी आंख बंद किए हुए हैं। खुद को मुस्लिमों का मसीहा कहने वाला पाकिस्तान भी इस पर चुप है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर कड़ी पकड़ बनाए हुए है। 2016 में जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया तो मस्जिदों में तेजी से बदलाव होने लगा। अप्रैल 2018 में चीन ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामी गतिविधि स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए, ज्यादा ध्वस्त और कम निर्माण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। सीधे तौर पर चीन का ये आदेश मस्जिदों के खिलाफ रहा है। HRW के शोधकर्ताओं ने निंगजिया के दो गांवों में मस्जिदों के हालातों की जांच करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि 2019 और 2021 के बीच सभी 7 मस्जिदों से गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया, 4 मस्जिदों में बदलाव किए गए और 3 मुख्य इमारतों को ढहा दिया गया। वहीं एक मस्जिद का वजूखाना भी क्षतिग्रस्त हो गया। इससे जुड़े शोधकर्ताओं ने कहा कि वजूखाने को क्षतिग्रस्त करना इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था कि मस्जिद का इस्तेमाल न किया जा सके। ऐसे में बिना निर्माण को तोड़े यह मस्जिद हटा दी गई। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि निंगजिया में लगभग 1300 मस्जिदें 2020 से बंद कर दी गईं। इस आंकड़े में वह मस्जिदें शामिल नहीं हैं, जिन्हें तोड़ा या बदला गया।